दादी भोजपुरिया खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम घर पे ही चिली पटेटो बनाएंगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है जो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। सबसे पहले हम 4 बड़े आलू लेंगे और इसे ऐसे काट लेंगे। आप चाहे तो इसके छिलकों को अच्छे से डीप फ्राई करके इसके मसाला वसाला इसके अच्छे से लगा के खा भी सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। वरना अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। देख लीजिए, मैंने आलूओं को छिल के हटा दिया है। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल पतला पतला काटना है हमें, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट रहे और ऊपर से कुरकुरे हों और खाने में अच्छे लगेंगे। और इन्हें भी पतला पतला ही काटना है। देख लीजिए, मैंने सारे इसी तरीके से काट लिया है, एकदम पतले पतले देख ही सकते हैं। इसे आलू को 2 पानी धो लिया है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर कम से कम 1 कप जितना, और इसे अच्छे से हमें आलू में मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है, देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम तलेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर रिफाइन ऑयल डाला है। उसके बाद इसे तलेंगे हम, और इसे 2 बार तलेंगे अच्छे से हम, तभी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और इन्हें कम से कम हमें 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देख लीजिए, ये पक गए हैं। अब निकाल लेंगे और जो बाकी बचा हुआ है अब उसे पकने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे। देख लीजिए, बाकी बचा हुआ था उसे भी पकने के लिए डाल दिया है हमने, और इसे भी अच्छे से हमें 2 मिनट तक करके पकाएंगे। देख लीजिए, ये हमारे 2 मिनट अब हो गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे हम, देख ही सकते हैं अंदर से ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। एक बार और इन्हें अच्छे से हम तल लेंगे। ये हमने 2 बार तला है, ताकि ये अच्छे से और क्रिस्पी हो जाए ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देख लीजिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसके हम मसाले के लिए तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच जितना रिफाइन ऑयल डालेंगे, फिर लहसुन डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे, फिर उन्हें थोड़ा सा चटकने देंगे, लंबा हुआ कटा हुआ प्याज, फिर लंबी कटी हुई मिर्ची और सफ़ेद वाले तेल डालेंगे और इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसके फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे, इन्हें डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे कम से कम 1 चम्मच जितना, और इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस से अच्छा लगेगा ये खाने में। और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसी के लिए हम लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लगभग ये हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तभी हमारी ये चिली पटेटोस खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसा ही है ये, और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है।
अब इसके अंदर थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसके बाद आलूओं को डालेंगे जो हमने तल लिया है, उनको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोई इसके अंदर ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा एक चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डाल के पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल दीजिएगा, ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। हमने मसाले वाला ही रखा है, अगर आपको मसाले वाला बनाना है तो मसाले वाला बनाइए, अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो ग्रेवी वाला बनाइए, आपकी मर्जी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब ये हमारा चिली पोटैटोज़ बनके बिल्कुल तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये चिली पोटैटोज़, खाने में बहुत ही टेस्टी है। करेंगे इसे खाने में, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से कड़कड़ा है, बिल्कुल मार्केट जैसे बना है ये, मार्केट से भी 100 गुना अच्छा है ये चिली पोटैटोज़। एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।